चाचा कल काम पे क्यों ना आए तुम? मेरा मन ना लगा तुम्हारे बिना। तो भैया बुढ़ापे में मेरी मानने के चक्कर में कैसे? अरे ना वैसे पूछ रहा हूँ, काम था कुछ मुझे। तू छुट्टी क्यों नहीं मारता? तू रोज ही काम पे गुआरिया, मेरी बहू घन्ना दिख है। चाचा बहू तो मेरी घर आएगी मगर वो सुसरी नहाती नहीं है। अब औरत नहावे धोवे साफ रहे, आदमी काम भी करे रेस्ट भी करे फिर रात को उसके साथ सेक्स भी करे। हमारी बहू नहाती नहाते हमारा भैया हम तब नहीं करनी उसे उठाना, चुप्पा काम पे को जाना। चाचा जब औरत नहा धोकर सेट रहती है ना आदमी का तभी लेने को मन करता है। क्या सच में? चलो ठीक है मैं आ रही हूँ। चाचा क्या हुआ, बड़े खुश हो रहे हो? अरे बहुत खुशी की बात है, इस उम्र में चच्ची का बच्चा कर दिया का, खड़ा बड़ा हो जावे ना। हट कुत्ते के बच्चे। अबे मेरा लौंडा पुलिस में लग गया, ठीक है चल लियाऊ मैं। एक हमारा लौंडा है खाका काया मोटी कर दिया। सुसरी तेरे कान पर जो नहीं बैठती उससे मैंने हजार बारी कहते नीचे का बाल सफा कर ले, मगर नहीं तेरी झांट के बाल रोज मेरा आते हैं ये। चलो कल से नांगे। वो कल से आ भी ना जा, नहीं तेरा काम टाइम अलग कर दूंगा। तेरी सुसरी नाम ना दो बे। ओ तेरे कितना बोल रहे, कल तो मैं आई थी। आई है कसम, 12 दिन हो गए। चल ऐसा पल्लू बैठ। ओ मम्मी अरे 500 रुपए दे दे, बादाम खत्म होगा बादाम खाऊंगा। ले लटक रहा बादाम ही खा ले। अबे कुछ करेगा ना करेगा। अजी यू शादी करने को है? और तो मैं इसका जेठ हूँ, दुश्मन हूँ, कौन हूँ मैं? मिस्से क्यों ना कहता आज तुझे भेजते हैं, यू तो हमें फंसवाएगा, यू पड़ जा लोंडियाबाजी में। जी तुम सही कह रहे हो, यू रात किसी लोंडिया से बात कर रहे हो, उससे नहीं कर रहे हो। बाबू तुमने अंदर क्या पहनने का, तुम्हारी चोली कितने नंबर की, तुम्हारे कच्छा कितने नंबर का? अरे यू तो हमें जेल कराएगा आज ना कल। ओ चाची चल लियो का छोलने। अरे रंडी अभी तो जमकर भी नहीं। अरे मैं एक की बात कर रही हूँ, झाट होगी ना। अरे चल रही हूँ। फलान सा तो चोड़ेंगे और मेरी ईख में फेंक देंगे, वाह भाई वाह। ए ताऊ नमस्ते। अरे नमस्ते धर दे मेरे फला। ए तू तो जयपाल का दिखा है, ए बेटा बथेरा बड़ा हो गया। हाँ लो हाथ डाल के देखो। ए हट साले, साले। बताओ अभी हाथ में पकड़वा। ओहो हमारे खेत में बड़े गीदड़ हो रहे हैं। आट, ओ आट, चल चल चल। अब कौन है बे? पापा बहन की लोड़ी तू जीती मैं तेरे प्यार में हारा। साला हमारी इज्जत के साथ खेल लिया है? अब ओ काविंदर साले बाहर हुआ। नंदू क्या हुआ भाई? अबे साले समझा ले अपने लोंडे को, हमारे ही खेत में हमारी लोंडिया के साथ ना जायज गठबंधन जोड़ ले आई हूँ। अरे युवाला नंदू एक हाथ से ताली नहीं बजती, गलती तेरी लोंडिया की भी हो गई। अबे हमारी लोंडिया नीचे ही तेरा लोंडा ऊपर है, तो गलती तेरे लोंडे की हुई। मेरे लोंडे को क्या जावे, अपनी लोंडिया को समझो, उसे कुतिया से ज्यादा आग हो रही है रंडी को। हट साली, जब हम आदमी आदमी बात कर रहे हैं तू बीच में लड़ ले रही है। अरे औरत का लेना है अभी आदमी की लड़ाई में, मुंह को ढक लेंगी और बात इतनी खुली करेंगी जिसे सुनकर आदमी कान फट जाए। अबे सालो तुम्हारी इज्जत ही ना पूरे गांव में। अबे सुअर आराम से बोल। और तुमको देख रही हो है रंडी नाच रही है, और हमारी इच्छा तुम तो देखेंगे। तुम्हारी सुसरी। अरे अम्मा कितना काला है ये, तो ऐसा लगा भाड़ू काला तेल लगा ले। चल चल हट हट चल ले लिया। अभी नंदू घर में हुआ बैठ के बात करेंगे। मैं ऐसे गुंडे घर में न बैठता हूँ। अबे तू गुंडा, तेरा लोंडा गुंडा, तेरी लुगाई गुंडी। मैंने तुम्हारी कौन सी गांड मार ली? मारिए ले, वैसे भी मार लेगी तू। मार ना सकती था, मरवा तो दूंगी, दब्बा दूंगी दब्बा। चल सही है, आपसे शिकायत ना सुन लू तेरे लोंडे की। सुन बे इसकी लोंडिया से आज अपना नाता तोड़ ले। नहीं पापा वो मेरी मोहब्बत है, मैं उससे प्यार करता हूँ। इस प्यार को गुंजा साले अपनी गांड में, तेरे बैसले बहन जब पूरे मोहल्ले में नाक कट गई। यू हैगी तो यू फलाना है साली नगदिया, चढ़ाती रह कर इसे। तू ना आज तक इसे समझाने की बात करी है? सुन बे 2 दिन है तेरे पास,
या तो इसकी लोंडिया को राइजा छोड़ दे, अन्य साले पीटिंग हो बता दिया हूँ। पापा तुम भी एक में कई बार पकड़े गयो, हमने कुछ कही तो ना, मम्मी फूफा के साथ 5 बार भाग गई, हमने कुछ कही और आज हमने थोड़ा सा प्यार का कर लिया, तुम्हारे गांव में मिर्चा लग गई। तेरी माँ का मजनू साले, अजी रेंदू जवान लोंडा है, ये समझा ले साले को, नहीं मेरे हाथ से मर जाएगा यू। पापा तुम मुझे मारो या रात को मम्मी की मारो, मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं उससे प्यार करता हूँ बस। चाचा तुम्हारा लोंडा नंदू लोंडे खेत में है क्या? वो ऊपर कौन था? पर तो उसकी लोंडी आई, बस तब गलत उसकी लोंडी हुई। तो एक काम कर, प्रधान जी को भेज, ये सालों को फाड़ कर डाल दूंगा आज। प्रधान जी तेते जाओ। अबे बेटा तेते मिशन चलाएगा, प्रधान जी पीरियड हो रहेगा, हट तेरी माँ को चोदूं। तो फिर तेते चलो। देखो प्रधान जी देखो कैसे दोनों लहरें जोड़ लगी है। हाँ अब तू बता भी तू क्या करना चाह रही है। प्रधान जी अब जो करूंगा पंचायत में करूंगा। प्रधान जी सब कुछ तुमने अपनी आंखों से देखा, फैसला सुनाओ तुम। अरे फैसला तो मैं सुना दूं, पर ये बदबू कहां से आ रही है? चल ऐसा ना का, मेरी सुसरी तू का पंचायत फला ले रही है। ये रंडियों ने मेरे लोंडे पर टोकता करा रखा, टोकता अपने बस में कर रखा, बस में पहले मेरा लोंडा इतना मोटा हो रहा, अब तो मेरी छाती के तनिया सुखड़ लिया। कम ना रंडी है तू, रंडी तेरी मां रंडी, सो जने कहां से आ गई चुटपिट के, सो को पैदा करके देखियो बालक। और हमने कब बालक पैदा करे? तू नहीं करे, हमने तो अपने बालक यूट्यूब पर डाउनलोड कर लिए। और शोक तेरे तो हुए भी ऑपरेशन से, हमारे अम्मा का तो नॉर्मल हुए, जी बाहर आ गई जी, है नी अम्मा बताइए रिशा। और ईशा का पत्र रंडी को, अरे भैया और देखा फलान ले मैं पंचायत में। चल है मेरे सुतरी घर को, प्रधान जी तुम फैला सुनाओ। अरे रुक जा भाई। हाँ भाई नंदू सिंह तुम कुछ कहना चाहते हो? ना प्रधान जी, ना प्रधान जी ये बात ना मानूंगा तुम्हारी, मेरी लोंडिया बहुत इज्जतदार। अब चालाक के चौधे मत बनो, हमने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है, ये आंखें हैं कुत्ते का आंख थोड़ी है। हाँ भाई नंदा तू बता तू क्या चाह रही है? प्रधान जी हम एक दूसरे से बहुत प्यार करे और हम शादी करना चाहते हैं। अबे तू इससे शादी करेगा? इससे इसकी सिलवा न चढ़ोगे देख ली ना, 1 किलो मैन लेके लगा प्रधान जी, 1 किलो भाड़ू की चीज पे मर रहा है इसकी। अरे यू मर रहा है इस पे? हाँ इसे तो नशे नए हथियार खाने की आदत है। प्रधान जी लड़कों को बिगाड़ने में माँ का हाथ होता है, तुम इसकी माँ को ही ले लो, ऐसी कोई सी बटिया ना छोड़ी जिसमें नानोली बहन की लो। ऐसे खानदान में मैं शादी नहीं करूंगा प्रधान जी। कहाँ से आई है? फिर कहा आई हो? सिलवार भैया के पहले थी पंचायत में, मेरी सोसरी वाकल नाम की चीज नहीं है, बता पंचायत में नाले बांध रही है। बस पापा तुमने सारी पंचायत के सामने मेरा तमाशा बना दिया, जा रहा हूँ मैं ये घर छोड़ के, और आज के बाद तुम्हें मुंह ना दिखाने का हूँ। हाँ तो जा, हमारे लैंड में आज बुत्ती जाना, हम दूसरा बच्चा पैदा कर लेंगे, सोच लेंगे भोसले का मरेगा तू, जा। बाबू चुप क्यों हो, कुछ बोलो ना। शकुंतला मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बाबू बात करने से क्या होगा, कुछ करो ना। शकुंतला मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मुझे पता तो मैं लेने के मूड में हो। अरे तू चाह क्या रही है? चाह तो मैं इतना लंबा रही हूँ, पर तुम पे है तो ना इतना सवाल। अरे लंका में तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ तो करो फिर। बाबू तुम्हें तो पता ही है मेरे बाप ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तो आज से मैं तुम्हारे संग ही रहूंगा तुम्हारे घर में। बाबू एक मिनट खड़े हुए देखियो, बस एक मिनट को, एक मिनट खड़े हुए देखियो, बस एक मिनट। बाबू देखे भोग आऊंगा देखियो, एक बार देखियो। भोसड़ा ना टलेगा यहाँ से। अरे मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। ना भैया तू प्यार मत कर हमसे, हम ऐसे ही ठीक है, अच्छी खासी महीने के 10,000 रुपए कमा ले रही, और जब से तुझसे प्यार करा चोली कच्चे कताए भी घर वाले से पैसे लेने पड़ रहे हैं। और सुन घर को आमत जाइए, अन्य दब्बा दूंगी कोड़ी है। रात में मुट्ठी सुट्टी मार कर दिया कैसे? पापा मिया माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। चल बेटा तुझे कल आई तो सही, कोई बात नहीं गलती हो जाती है,
तू सादिक के आगे आना, अब तेरी शादी मैं कराऊंगा सुबह को। चल आजा अंदर को आजा। पापा तुम मेरी शादी कराते रहो पर लोंडिया लोंडो में खेली कूदी तो ना है। मची सही कर रहा है मेरा लोंडा, कभी रंडी लोंडे के छिले हुए केले खाती हो। हट जद्दो, तू सर आए लिया हमने, जा जाकर नहा ले जा पल्लंगो। हेलो बदबू आ रही है, तुम मुस्सा का फलाल ले हो। हेलो समधी जी। कौन? काविंदर ही बोल रहा हूँ मैं। हाँ बताओ क्या काम है? अरे शादी को कह रहा हूँ अपने लोंडे से तुम्हारी लोंडिया की। अरे नहीं नहीं, तुम्हारा लोंडा बहुत छोटा हमारी लोंडिया से। भाड़ू छोटा बता रहा है मैं लोंडे को? अगर तेरी लोंडिया की ले ली ना तो रंडी से उठा भी ना जाएगा। तेरी सुधी तेरी, मैं इसे चुप कर ले। अरे मैं तेरी जवाना गाड़ा चुपना होती। अरे कौन है बदतमीज? अरे समधी जी तुम्हें कह रही। अच्छी अच्छी, किसी और को कह रही है? ठीक है तो फिर सुबह को आ रहा रिश्ता लेके। ठीक है जाओ जाओ। अरे आदी कैसा ना अंदर से। ओहो आज तो नहा ले दिखाया भाई। अरे पापा नहाए ना, आज ही मुंह धोया है। साली नटनी पिछली वाली सीट पे बैठी, पिछली वाली पे ना, मैं तो अगली वाली सीट पे बैठ के जाऊंगी। ले इस पे बैठ जा हैंडल पे। आइए समधी जी, आइए आइए। अरे कहाँ गई चाय नाश्ता लेकर? मेहमान आ गए। और सुनाओ समधी जी, कोई दिक्कत तो ना हो जाने में? अरे दिक्कत होती तो तुम आती क्या? अरे नहीं मैं क्यों आऊंगी, मेरे फलान को पहले जरूरत आने की, बस मैं तो ऐसी पूछ रही थी। पापा लोंडिया कहाँ है? अरे लोंडिया कहाँ है? लोंडिया कमरे में हैगी, कल वो मेरे साथ खेत पे को चली गई ना, तो उसने बीच कपड़ा देख लिया। हाँ। तो बाबली उससे डर गई। बीच कपड़े से डर गई? और शादी के बाद जो हमारे लोंडे का इतना मोटा सांप देखेगी जब क्या होगा? लो बीच कपड़े से डर गई। हाँ समधी जी, क्यों बुलाया मुझे? समधन जी तुमसे कुछ बात कहनी है। हाँ तो कहो, मैं कौन से तुम्हारे मुंह पे चूतड़ लगकर बैठी हूँ? अरे समधन जी तुमसे। हाँ हाँ क्या? अरे आई लव यू। समधी जी ये बात तुमने मुझसे आज कही है? हाँ समधन जी हाँ, मैं तुमसे डरता था। डरने को मैं चुड़ैल हूँ, मेरी गाल पे सींग निकल रहा है। खैर अब छोड़ो समधी जी, अब वो मजा नहीं है मुझ में, अब तो मेरी शादी भी हो गई, अब तो बस फका फक की आवाज आएगी, अब कोई फायदा नहीं है गोबर में हाथ डालने से। समधन जी मैंने प्यार तुम्हारे जिस्म से नहीं, तुम्हारी रूह से करा। सही में समधी जी? अरे और बाबली फिर काम नहीं मचवा रहे हैं। लो तो मैं भी दिल पे दिल ठोक के कह रही हूँ। समधन जी आराम से, ये दोनों दूधी फट जाएंगी। दिल में दिल ठोक के कह रही हूँ, प्यार में सिर्फ तुमसे करूंगी, अन्नी तो मर जाऊंगी, इतनी बड़ी भगवान की कसम खा के कह रही हूँ। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया ना तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखियो। तो लाओ तो फिर अपना नंबर बताओ। 32। अरे सड़ैंद, मैं तेरे फोन नंबर की बात कर रहा हूँ, चोली का नंबर की ना। तो लिखो 96 14 7 7 14 एक बार और 14 फिर 4 4 9 2 11 यू तुम्हारा नंबर है? हाँ तो लाओ तो फिर एक चुम्मा दे दो। हाय दैया कोई आगे दिखे। अरे समधन जी क्या है, तू टांग मारे जा रहे हो? घर तो मेरा धोरे तक न लेटते, यहाँ बड़ा प्यार दिखा रहे हो? आओ समधन जी अपन छत पे चलना है। हाँ चलो, और तुम इतना बात करो। और सुनाओ समधन जी क्या हाल चाल है तुम्हारे? समधन जी एक बात क्यों पूरा तो ना मानोगे? लो वे लो कल्लो बात देख रहा लल्ला। अरे भोसरी अब तो तुमसे हमारा दिल से दिल मिल गया, यू तुम हो यू मैं हूँ, तुम कहो। तुम इतने भूरी हो, तुम्हारा मुंह ऐसा लगा है जैसे का अंग्रेजों के सफेद चूहे।
समधन जी एक बात मैं भी कहूँ, बुरा तो न मानोगी? तुमने हमारा बुरा न माना, हम क्यों मानेंगे? कहो। तुम्हारा मुंह तो ऐसे जैसे कुत्ते को टूला हुआ फलां। पानी समधे जी, तुम्हें कोई टच करे ना तो नाम ले दियो काविंदर। क्या काविंदर? मैं कुछ दूंगा उसकी। तुम्हें तो पता ही है समधे जी मैं क्या करता हूँ। हमें सब पता है, तुम मजदूरी करो। समधे जी बात सुन लो मेरी पूरी। हमारा फलान करा है मजदूरी, हमारी तो ऐसी जॉब लगी पड़ी है उसकी। मैं चौदह बीड़ी पीते हैं, दम मारते हैं, फेंकते हैं, कोई काम नहीं। लोंडे की गाड़ करने चार बुलेट रहती है। बुलेट पर लिख गया मिस्त्री, हट जा, कोई टच नहीं करेगा, मिस्त्री साहब की गाड़ी आ रही है। और वैसे भी समधे जी तुम इतने छोटे हो और तुम्हारी घरवाली इतनी लंबी है, तुम्हें तो बहुत दिक्कत होती होगी चुम्मा लेने में। चुम्मा भी कुर्सी पर चढ़का लेते होगे। अजी मुझे जरूरत पड़ी है कुर्सी लगाने की, एक कोनी मारू पूरे कमरे में नोरी नोरी, फिर चुम्मा क्या कुछ भी मान लो। समधे जी तुम्हारी घरवाले तो नहाती भी ना, तुम कैसे करते होगे? अब समधे जी तुम्हें क्या बताऊं, शादी से पहले हमारा मामला बिल्कुल तनाव में रख लिया और जब से इससे शादी हुई है हमारा मामला ऐसा रह गया। मैं तो ससुरी के आज तक धोरे में ना सोया। तो फिर लौंडा किन्ने पैदा कर दिया? अब तुम हमारे लौंडे की ले लो। जब हमारी शादी हुई थी स्वागत वाले दिन मेरी ससुरी नादो का सेट थी, लाल साड़ी 16 सिंगार बकायदा लाली पाउडर लगा आई थी सीमा चुट। अब उसे देख के हमारा मामला फन फनाया, हमने जो है उसी दिन उसकी मकान डाल दिया, उसी दिन हमारा लौंडा पैदा हो गया। वो दिन आज का दिन मैं ससुरी के धोरे में लौटा। ओ साले फाड़ वो ठाक ला उसे। तुझे बताई कौन है? बाबू है मेरा, बच्चा है मेरा, दूसरी लुगाई है मेरी। साला कोनी मार दी ना, है कैसा जैसे कुत्ते की सफेद जांट है। ओ मेरा बाबू नाराज हो गया, मेरा बच्चा। समझ जी एक गिलास मूत के मारे तुम अपने रिश्तेदारों को गाली दे रहे हो। अबे साले ऐसे रिश्तेदार हो रहा हूँ मैं लोड़े पे। चलो छोड़ो समझ जी छोड़ो, यू बताओ शादी कौन सी तारीख में रखे? तारीख बारीख की मामा चौदह, परसों की बारात लेकर आना है। ठीक है अरे आजा। माय फादर। अरे समधन जी ये क्या कर रही है? मैं नहीं लूंगी पैसे। अरे हम तुम्हें देख रहे हैं, हम तो अपनी बहू को दे रहे हैं। मैं देखी अरे बिल्ली दूध पी गई। कहाँ पी रही है देखियो। अरे मैं तेरे दूध की बात ना कर रहा, अंदर साहब आ जाइए बर्तनों की। ओ अंदर, अंदर तो तुम्हारा सफल हुआ। अच्छा और तू कहाँ जाएगा गांव उठा के? तुम्हें कुछ पता भी है? कल को लौंडे की हल्दी चढ़ेगी, घी तो मैं कहने जा रही हूँ। कहाँ जा रही है भाई? हाँ रिचार्ज करा कर रहा हूँ, रात को बहू से बात करूंगा। साले बहू से बात कर तो रहा, सही से करी है, कभी गुंडी पुंडी बात करे। ए जीजी अंगी क्या? अरे हुंगी रंडी आजा, कैसा पूरे मोहल्ले मजी फिर रही है? अब क्या बताऊं जीजी, इकली तो मैं करने वाली हूँ, सुबह को लोने के हल्दी चढ़ाई की तो मैं कराई। अरे आजा चुद्दो बैठ जा। अरे जीजी बैठने का टाइम ना चल रही हूँ। चाची जरा नाचियो, तुम बड़ा अच्छा नाचो। अरे नाच तो मैं लूं, अब मेरा मन ना करता। और रात को अपने आदमी से मरवाने को तो बड़ा मन करे।
अरे मैं नाश्ते लूंगी लेकिन मुझसे गीत ना था। अच्छा गीत गीत चलो मैं गा लूंगी। अरे फूफी जरा बजिए ढोलक। खाली खाली घुंघरू बजाना छोड़ दे बजाना छोड़ दे, मार के फलान मेरी गुल्लक फोड़ दे, मार के फलान मेरी गुल्लक फोड़ दे। खाली खाली घुंघरू बजाना छोड़ दे बजाना छोड़ दे, मार के फलान मेरी गुल्लक फोड़ दे, मार के फलान मेरी गुल्लक फोड़ दे। कौन मुगल कौन कर रही है पीछे से? चाची चाची बोला गीत गाइयो डाली डाली पहना, बड़ा अच्छा गीत गाओ तुम। ओ मेरे जेठो ने बाग लगायो रे डाली डाली पे फलान, ओ मैं तो भर के भोसड़ा चाली रे ले लो रे फलान, ओ मेरा जीजा तो उसे मलूक रे रखे हाथों में फलान, रखे। अरे सो को एक आध हल्दी का गीत गा लो। ये तो हल्दी है हल्दी तो लंड लाती है, ये तो हल्दी है हल्दी तो लंड लाती है, भोसड़ी टूट के हाथों पे बिखर जाती है, भोसड़ी टूट कर हाथों पे बिखर जाती है, ये तो हल्दी है हल्दी तो लंड लाती है। हेलो गाइस, गाइस अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो को हर जगह शेयर कर दो गाइस। तो दोस्तों कमेंट करके बताओ कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मोटिवेट करता है, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दो जरूर। अरे अम्मा, अरे पापा कहाँ गए, फूफा कल्ले बैठे।